Hello. Hello. Yeah. Yeah. English. Kona bhai? Aukat. What? Sorry, matlab hindi. Main bahua bol le hun ji, uncle namaste sabun laga ke. Namaste bol beta. Beta baap lag raha hai kya beta bol raha hai shampoo laga ke? Matlab मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल, मेरे मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ कंडीशनर लगा के। भाई तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो, क्या मतलब ये? कभी साबुन लगा के, कभी शैम्पू लगा के, क्या बोलना चाह रही है? कभी फेस वॉश लगा के, क्या मतलब क्या? भैया मैं कह रहा था इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ, एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ, इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो ये नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी अगर आप मेरे को 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? क्योंकि बातें साफ साफ होंगी ना, आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ही बनती? एक सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा। व्हाइटनर लगा के? क्या लगा के? सॉरी, सॉफ्टनर लगा के। शॉपनर लगा के? शॉपनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी, औकात गरीब। ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात से बात कर रहा है, तेरे को पता नहीं है मेरी औकात? गलत मत बोल, होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना पेपर। तो पेपर सोप है ना, रोल करके उसको बड़े दे। अपने बात क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे समय ना, मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के, वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। पोछा लगा के पागल, वरना झाड़ू लगा के मोर बना दूंगा तेरा। मोड बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड को ढुलाना मत, उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेडियो पे, हम चीची बोल के फोन कर दिया, आप बजाते रहो। हेलो हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हेलो, बोलिए बोलिए। बोलिए, कह रहा था मैं, मैं और मेरा एक दोस्त है, हम लोग ने एक घोड़ा खरीदा। क्या समझ आ नहीं, क्या खरीदा? हाँ, घर से घोड़ा। अच्छा, से मैं कुछ और समझ गया था। माय गॉड, आप पर वो है भाई साहब। क्या है वो? होता ना ल से। हाँ है, वो मेरे पास है ल से। नहीं नहीं, लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ मैं। मैं कह रहा था मेरे और मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा, फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं सुन, तो फिर मेरे मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं, ह से क्या होता है? नहीं, अवाड़ा है, अवाड़ा। अरे हाँ से हमारा कैसे हो सकता है? ह साइलेंट ना भाई, एच अवाड़ा। सॉरी सॉरी, तो इतने अवाड़ा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसा दिखने लगा। अच्छा, फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ। अच्छा, कैसे कान है ना? तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने ह से वो है अवाड़ा कि उन लोग हाँ साइलेंट है ना, हमारा इतने हमारा है कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। फिर मैंने कहा ये नहीं हो, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। सेलो टेप से? हाँ, फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा। फिर पता उन लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़के क्या है? हाँ से अवारा। अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे ह से नहीं, ओके ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, 3-4 दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा। वो लड़कों ने उस दोस्त के भी, अच्छा, घोड़े के दांत तोड़ दिए। दांत तोड़ दिए, और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के हंस है। अच्छा, हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा, काला घोड़ा तेरा, सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे पहले ही अलग दिख रहा था, तो इतने नक्शे क्यों किए तूने? एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई गई है। अबे ए से हार्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी
तेरे को मैं हाथ से देखा। एक बात बता। हाँ बोल। घोड़े के दांत कितने थे? क्यों क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? हाँ। ल से तेरी नाक चबा लेगा वो। अब मैं गा से तेरा कान चबा दूंगा। ग से कान नहीं होता है, क से कान होता है। चलो बात करते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्ते जी, सुरभि बोल रही हूँ। जी बताइए। जी मैं लोग से बात कर रही हूँ। जी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जो दिया था। हाँ हाँ जी। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड चेक करना था सर। हाँ जी पूछिए। ये हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो बात करेगा आपसे। जी जी। नया लड़का है, जरा बात कर लीजिए, डिटेल इसे लिखवा दीजिए आप। हाँ जी बात करिए। जी थैंक यू लेडीज, यू वेलकम। अच्छा कब आना, कहाँ पे? शट अप। हेलो नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। जरा डिटेल लिखवा दीजिए। नाम दीपू चौधरी। दीपू चौधरी, अच्छा। और कहाँ पढ़े रहते हो? मैं से पढ़ा हुआ हूँ। नहीं नहीं, पढ़े कहाँ रहते हो? अरे पढ़े कहाँ रहे तो मतलब क्या है यार? सर मतलब घर कहाँ है पूछ रहे हो? अरे तो ये पूछिए ना कि घर कहाँ है मेरा। नहीं तो बात तो वही है ना, कहाँ पढ़े रहते हो मतलब। अरे यार बात कैसे वही है। अच्छा सॉरी, बोलने का। ठीक है ओके, सॉरी सर। नया है लड़का? हाँ। हेलो सॉरी, तेरे बाप क्या करता है? यार दिमाग ठीक है तो ये बताओ सर। वो वही पूछ रहे ना, आपके पापा क्या करते हैं? ये पूछे ना कि पापा क्या करते हैं। अच्छा, ओ पापा अंग्रेजों के चोचले थे, असली में तो बाप ही होता है। अपना नहीं तो दो जापड़ा भी दो जा... सीधे सीधे जो पूछना वो पूछना। अच्छा घर पे दादी दादा जी हैं? नहीं दादा दादी तो नहीं है, वो नहीं है। अच्छा आए तो बोलने में तो फोन आया था। फिर तुम वाली बात नहीं का मतलब है गुजर गए, दुनिया में नहीं है। दुनिया भाई साहब गंदा नहीं बोले, मैं कह रही हूँ आपसे। अरे यार आप अपने इसको समझाइए ना एग्जीक्यूटिव को। क्या मैंने क्या गलत बोला? कोई तुमने सही सवाल पूछा है, सीधे पूछो ना क्या पूछ रहे हो। भाई साहब उसका तरीका गलत हो सकता है, आदमी गलत नहीं है बउआ। अरे तो उसका तरीका गलत है, आपका सही तो आप ही पूछिए ना। मैं थोड़ी तो काम उसका है, आप उससे बात करो। आप लेडीज से थोड़े तमीज से बात करिए, मुझसे बोल। तुम तमीज से बात समझे, हमें बताओ तुम। एक आखिरी चीज सॉरी, एक आखिरी पूछ, इसके बाद साले नहीं, इसके बाद नहीं पूछूंगा मैं कुछ। हाँ मैं बताऊंगा। हाँ जी हाँ बताइए, आपकी मौसी की बहन का नाम क्या है? क्या मौसी की बहन का नाम? मौसी की बहन यानी हमारी मम्मी का नाम। मम्मी का नाम? अरे डिटेल विटेल गई तुम्हारी। क्यों लेकिन ऐसा क्यों करेंगे आप? हेलो। अरे आप भी इसके साथ मिली हुई हो? मैं कहाँ मिलूँ? हेलो रखो, चल दो मौसी की बहन कहाँ। हेलो फोन रख दिया। सर आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो। हेलो जी हाँ अब आइए। हेलो हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता। हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है, पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बोता? सॉरी अंकिल नमस्ते। हेलो क्या क्या बताना? कौन आवाज आपकी कट रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे दो मिनट चाहिए था। बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूँ मैं, मेरा जब मन तब बोलूँ मैं। हाँ बोल। सॉरी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है, इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो, इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला एटीट्यूड वाला बनूंगा जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझूंगा। अरे अंता समझा, तू बात कर रहा है इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। डंडे पढ़वाएंगे? हेलो कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी वो बोलिए। हेलो, आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो, मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं जी, बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा लाफ्टर? हाँ okay. लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ? नहीं नहीं मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा नहीं है।
गुस्सा नहीं, नहीं नहीं गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिसे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें। ठीक है, ओके, मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 FM बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो। ठीक है, सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं से बउआ बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात हो रही है? हाँ हाँ बोल रहा हूँ। क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। मैं बोलिए जल्दी। मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी, ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी, नहीं आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाफट से, जल्दी बता। नाम है? ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है, और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख गंदा बोल मत। गंदा क्या ऐसा पूछ। सुन, कब घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरे औकात ही नहीं मार। डेट ऑफ बर्थ बता जल्दी। हाँ 10 दिसंबर। क्या करते तेरा बाप, नाम बता उसका? अरे वो तमीज से बात कर ले। पापा का नाम बता। आ गया ना औकात पे। हाँ बोल बोल चल। कुमार। बढ़िया, खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ घर है। हाँ वाह, घर है, चल गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। अब तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है, मेरे पास दो दो गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया, फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियां लेगा तो लड़कियां तो भागेंगी पीछे। हाँ ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन। सुबह भाई तू नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या, डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जबान अपनी। यस भाई, तूने बोला था दिल का अच्छा होने चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता, तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा है, रख फोन। गलत बोल रहा है, 93.5 FM बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते। सर आवाज नहीं आ रही कुछ। हेलो। हाँ फोन उठे। हेलो जी अंकिल नमस्ते। हेलो कौन? हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है लेकिन आप? हेलो, कह रहा था मैं, कई लोगों से बात हो रही थी मेरी। कुछ लोग होते हैं जो बिजी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उठा लेते हैं, बात करते हैं, कुछ फोन बीच में काट देते हैं। आपसे अगर 1.5 मिनट मिलेगा ना तो मैं सारी बातें आपको समझा सकूंगा और एंड में बता सकूंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। आप बोल रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ एंड में। आप बोल कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन आखिरी में बता दूं। अच्छा, दो तीन सवाल थे, दो तीन ही चीजें मेरे को डाउट में आ रही थी जी। ठीक है, चपलू और मंगलू दो लोग दोस्त थे। चपलू के घर, सुनो मेरी बात, चपलू के घर की मुर्गी मंगलू के घर जाके अंडे दे आई, बताओ अंडे किसके हुए? मंगलू के। जिसके घर में दिए हैं तो उसके घर में तो होंगे, और जिसने दिए उसके तो होंगे नहीं ना। अरे मुर्गी के हुए ना भैया जी। अरे सुनो, एक हाथी तालाब के पानी में गया, बाहर कैसे आएगा ये बताओ? बाहर कैसे, जैसे गया वैसे आएगा? अरे गीला आएगा, पैदल हो क्या? देख मैं आखिरी एक आदमी अपने बर्थडे पर 1 रुपया गुल्लक में डालता था, हर बर्थडे में 1 रुपया डालता था गुल्लक में। 60 साल के बाद गुल्लक तोड़ी, 15 रुपए निकले, कैसे?
किसी ने निकाल लिया, निकाल लिया। अरे 29 फरवरी को पैदा हुआ था, कोई निकाल लिया होगा। अबे अबे क्या के नहीं, एक सेकंड, बारिश में मेंढक बाहर क्यों आ जाता है, सोचा है कभी? बारिश इंजॉय करने आता होगा, मुझे क्या पता। अबे मैं मेंढक बता, मैं बता रहा हूँ, किसी के घर में पानी भर जाता है तो बाहर नहीं चला जाता, मेंढक नहीं आएगा बाहर। बात कर रहे हो आप, अबे मेरी बात सुन, एक आखिरी सुन। एक आदमी को हाई शुगर था, डॉक्टर अच्छा। ने उससे कहा कि मीठा खाना बंद कर दो। उसने मीठा खाना बंद कर दिया, क्यों? क्यों क्या? भाई साहब मैं बताऊं? हाँ। क्योंकि उसको शुगर था और डॉक्टर ने बोला था। अरे तेरी कुछ चीजें सिंपल चीज थी, उसमें भी सोच रहे क्यों किया क्यों किया। भाई साहब आपके आपके फोन में कट होने का बटन नहीं है क्या? तेरा गला फोन काट दिया। चीजी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाते रहो, कुछ चीजें सिंपल भी होती। हेलो, हेलो, यस, हेलो, हाँ जी सर, हेलो, इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ बोल रही हूँ, नमस्कार। कौन बहुआ? .com से। आपको पति चाहिए था? पति चाहिए था क्या, मतलब पति बेच रहे हो? ऐसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, प्लीज कोऑपरेट। बताइए, एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही हूँ। ओ कविता जी, एक सेकंड, मैं कहीं कवि क्या तेरे प्यार एक कविता। ये क्या है? थैंक यू दादा, वेलकम वेलकम। हाँ जी कविता जी, एक छोटा सा नजराना आपके लिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप बोल कौन रहे हैं और कहाँ से बोल? मैं कह रहा हूँ आपको पति चाहिए था ना? तो मुझे पति चाहिए था तो आप एक पति हैं, बात करिए यहाँ पे। रोहित सदाना जी नमस्कार। हेलो, ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये बहुत ही काबिल इंसान है, इनके पास दो गाड़ियाँ हैं, एक पत्नी है, तीन बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार। कहाँ पे कॉल किया? आपको पति चाहिए था ना? नहीं तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला था, पति हैं? हाँ पति हूँ, बहुत काबिल पति हैं। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो पति तो पति, आप ये बोली ना लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए, इज दिस फाइनल? यस। ओके, आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देख रही? मैं एडमिन में काम करती हूँ, मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी, हाँ मुझे चाहिए कि सेम फील्ड का, सेम फील्ड का हो। कोई लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है। कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं वो कंपनी, व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन हेड नहीं, नहीं तो नहीं नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर रहे हैं? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो, बताइए। थैंक यू। थक जाता है बेटे, थक जाता है वो हैंडल करता। सुनिए, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? थैंक यू सो। हेलो,